राजस्थान की शान है उसकी कला, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर। पूरी दुनिया के लोग राजस्थान को देखने आते हैं। इन्हीं में से एक है जयपुर का आमेर किला। इस ऐतिहासिक किले को अंबर किला के नाम से भी जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बना ये किला भारतीय संस्कृति को भी दर्शाता है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। इस किले का निर्माण राजा मान सिंह द्वारा किया गया था। इसे एक ऊंची पहाड़ी पर बनवाया गया है, जिससे इसका भव्य नजारा दिखता है। चलिए जानते हैं इस विशाल किले के इतिहास और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इस किले का आकर्षक डिजाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार 150 सालों तक राजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। इस किले के अंदर शीला माता देवी का मशहूर मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस किले का नाम भगवान शिव का नाम अम्बिकेश्वर पर रखा गया था, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आमेर किला का नाम माँ दुर्गा पर रखा गया था। ये किला हिंदू वास्तु शैली का नायाब नमूना है। इस किले के अंदर राजपूत शासकों की तस्वीरें लगी हुई है। इस विशाल किले के अंदर पर्यटकों के लिए एक आकर्षक बाजार भी लगता है, जहां पर सैलानी रंग बिरंगे पत्थर और मोतियों से बनी वस्तुओं के अलावा हस्तशिल्प की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस परिसर में एक ऐतिहासिक संरचनाओं में दीवान अहम बेहद खास है। इस खास संरचना को शीशे के पच्चीकारी काम के साथ बेहद शानदार नक्काशीदार स्तंभों के साथ बनाया गया है। इस हॉल में बेहद आकर्षक 40 खंबे हैं, जिसमें से कुछ संगमरमर के भी हैं। कुछ बेशकीमती पत्थर लगे हुए हैं। यही नहीं, इस इमारत के पत्थरों पर अलग अलग बेहद सुंदर चित्रों की मूर्तियां खुदी हुई है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल आमेर के इस विशाल किले के अंदर बना शीश महल यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस महल को कई सुंदर तर्पणों से मिलकर बनाया गया है। शीश महल को बेहद अनूठे तरीके से निर्मित किया गया है। शीश महल के अंदर जब कुछ प्रकाश की किरण पड़ती है, तब पूरे हॉल में रोशनी हो जाती है। शीश महल की खास बात यह है कि इसे प्रकाशित करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी ही काफी है। अपने आप में ही बेहद खास और खूबसूरत है ये आमेर किला।